ये क्वेश्चन हमें गिवन है और हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है, फाइंड द एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट और क्या निकालना है पीओएस। ठीक है, देखिए ये हमने के मैप पहले से ऑलरेडी डिजाइन कर दिया है इसकी बोलियन एक्सप्रेशन को, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो देखिए पहले आपको मैं एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको चेक करना है कि ये नंबर कैसे आया, मैंने कैसे लिखा 0132 ये कैसे आ गया। देखिए मान लीजिए अगर आपको चेक करना है किसके लिए, सपोज टू बी 6 के लिए, मैं 6 के लिए चेक करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे अपना इस रो को पॉइंट करूंगा और ये वाले कॉलम को। तो देखो यहाँ पे इधर से ये रो आ रहा है, इधर से ये रो आ रहा है, हम लिख सकते हैं ए बार बी और इसको सी डी बार। ठीक है, मीन टर्म में हम क्या करते हैं, ये हमारा मीन टर्म है, फंक्शन कैसा मीन टर्म, तो मीन टर्म में हम ए बार को, ए बार या बी बार या कुछ भी आप ले लें, कॉम्प्लीमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, जीरो से, और उसके जो इन्वर्जन फॉर्म है उसको वन से। तो हमें अगर ए बी सी डी कुछ भी रहेगा तो वन लेंगे और उसके ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तो जीरो। तो देखो ए बार पे हमने क्या लिया था जीरो, बी पे हम क्या लेंगे वन, सी पे वन और डी पे क्या लेंगे जीरो। तो इसको हम बाइनरी में क्या लिखते हैं, देखो 1 2 4 8 6 ऐसे होता है ना, तो इसको जोड़ो 4 और 2 6 और बाकी जीरो है, तो हमें क्या मिल रहा है 6। मान लीजिए हम 15 के लिए चेक करना चाहते हैं, तो देखो 15 के लिए इस वाले सेल को, रो को पॉइंट करो और इसको टारगेट करो, तो यहाँ मिल रहा है ए बी और इधर से सी डी। तो देखो ए की जगह 1, बी की जगह 1, सी के वजन डी की जगह 1, तो ये क्या हम बाइनरी में इसको कैसे लिखते हैं 15। ये आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा था कि ये कैसे हम इसको डिजाइन करते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जहां जहां पे हमें वैल्यूज दिए रहेंगे वहां पे हम क्या कर देंगे वन कर देंगे, और ये हमारा डोंट केयर है। डोंट केयर वो वैल्यूज होते हैं जहां पे हम इसको जरूरत पड़ेगी यूज करने के, हम इसको यूज कर सकते हैं अपने एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए। तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, जीरो पे हमें वन देना है और किस पे, वन पे वन, फाइव पे वन, सिक्स पे सिक्स के लग गया वन, सेवन पे वन, एट पे वन, नाइन पे वन, हो गया कितना काम। अब डॉन केयर को हम क्रॉस से यहाँ पे लिखेंगे, तो 10 का है हमारा 10 क्रॉस कर देंगे, 11 क्रॉस, 12 क्रॉस, 13 क्रॉस, 14 क्रॉस, 15 क्रॉस। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सबसे जो बड़ी वैल्यूज क्या बन रही है, जैसे हमारे पास देखना होगा कि क्या ऑक्टेट बन रही है, 8 का पेयर बन रहा है, 8 का पेयर, ऑक्टेट में 8 का पेयर होता है, तो चेक करेंगे क्या ऑक्टेट बन रहा है, अगर बन रहा है तो हम इसको ले लेंगे। फिर हम चेक करेंगे क्वाड बन रहा है क्या, क्वाड 4 का पेयर, या एक देखेंगे डुएट, डुएट मतलब होता है 2 का पेयर। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। तो हमें क्या एक दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे और जो कॉमन चीज रहेगा, कॉमन वैल्यूज रहेंगी, उसको हम लिख देंगे एज इट इज। जैसे ए ए इसमें दोनों में क्या है, इस रो में कॉमन है, तो हम लिख देंगे ए, और बी क्या हो रहा है चेंज हो जा रहा है, तो चेंज हो रहा है तो उसको हम कंसिडर नहीं करते। तो इधर से हमें क्या मिला ए, और ऊपर से क्या मिला, देखो ऊपर से हमें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि देखो सी बार और सी, देखो इसको देखते हैं, सी बार क्या हो रहा है यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, डी बार यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, फिर ये सी बार, ये वाला सी बार और ये चेंज हो जा रहा है, और डी यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये दोनों चेंज खत्म, सी बार ये चेंज हो जा रहा है, डी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लेंगे, तो सिंपल ये हमारा आंसर होगा प्लस। ठीक है, ये हमारा एक सॉल्व हो गया। अब एक और हमें मिल रहा है ये वाला पोर्शन, थोड़ा कम, थोड़ा स्केच नहीं है ना, मतलब स्केच लाया नहीं हूं तो इसलिए थोड़ा ये होगा, नहीं तो मैं इसको रेड में कंसीडर करके दिखाता रेड कलर से। तो चलिए आपको बस समझ लीजिए कैसे भी, अगली बार से ध्यान देंगे, अगली बार से स्केच दूसरा देंगे। ठीक है, तो ये वाला इस पोर्शन को देखते हैं। देखो इसमें एक कॉलम है, इधर हमें क्या मिल रहा है सी बार डी, क्योंकि और कोई किसी से हम कंपेरिजन करेंगे नहीं, ये दोनों वैल्यू चेंज होने वाले सी बार है और डी है, सिंगल है, और इधर से जब कंपेरिजन करो तो इधर से कंपेरिजन करो तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो हम सिंपल छोड़ देंगे प्लस। तो देखिए हमने पहले 8 का पेयर बनाया ऑक्टेट और एक 4 का क्वाड, अब हमें क्या बोला यहाँ पे 2 में बच रहा है। ठीक है, 2 बच रहा है तो हम क्या करेंगे, हम चाहे तो 2 डुएट भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओवरलैपिंग पॉसिबल है, ओवरलैपिंग पॉसिबल है, तो हम इसको बना देते हैं 4 का क्वाड। 4 का क्वाड बनाएंगे तो क्या होगा, देखो
यहाँ पे हमें बी कॉमन मिल रहा है इन दोनों में हमें बी कॉमन मिल रहा है और इधर से क्या कॉमन मिल रहा है हमें सी कॉमन, तो हम बी सी लिख देंगे प्लस। ये हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पे एक बच रहा है, ध्यान से देखिए एक बच रहा है, इसको क्या करेंगे हम एक डुएट बना देंगे, डुएट सिंपल। तो इधर से हमें क्या मिल रहा है ए बार बी बार, और ऊपर से क्या मिल रहा है हमें, ऊपर से हमें सिर्फ सी बार जो है कि चेंज नहीं हो रहा, बाकी डी बार की वैल्यू चेंज हो जा रही, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी बार खत्म। ये हमारा क्या निकल के आया एसओपी। पीओएस निकालने का सिंपल फंडा है, पीओएस को हम डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर देंगे इस पे, डी मॉर्गन्स लॉ। और भी तरीका है इसका, एक और दूसरा तरीका है, उससे भी हम केएमएफ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम अभी फिलहाल के लिए पीओएस को क्या कर देंगे डी मॉर्गन्स लॉ। अब देखिए डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, इसे मान लीजिए हमारा एक्सप्रेशन है ए प्लस सी बार डी बार, सी बार डी प्लस बी सी प्लस ए बार बी बार सी बार, तो इसका होल कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए जब ए है तो ए के ऊपर क्या आ जाएगा बार, ए बार, और ये जो प्लस का सिंबल है क्या हो जाएगा डॉट, डॉट हो गया। अब नेक्स्ट पहले सी बार डी बार, ठीक है सी बार उसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, और ये बीच में कुछ नहीं है तो क्या है डॉट है, डॉट है, डॉट है, डॉट है, तो सी बार प्लस डी और उसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट डी बार, ठीक है क्या हमारा एक्सप्रेशन, फिर उसके प्लस क्या हो जाएगा डॉट, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको भी ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, इसको सॉल्व करते हैं, तो बी के ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट बी बार और डॉट क्या हो जाएगा प्लस, और सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट डी बार सी खत्म। फिर प्लस आ गया, फिर इसको डॉट लिख देंगे, और फिर इसको यहाँ पे देखो ए बार कॉम्प्लीमेंट उसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट डॉट है बीच में, तो ये प्लस हो जाएगा, फिर बी बार डॉट कॉम्प्लीमेंट है फिर एक उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट और बीच में डॉट है प्लस हो जाएगा, फिर सी फिर उसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट, ठीक है इतना लिख लिए। अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूल देयर फॉर ए बार रहेगा तो ए हो जाएगा, ठीक है ए बार रहेगा तो हम ए लिख देंगे, सेम वही आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है, ए बार सी प्लस डी बार डॉट बी बार प्लस सी बार डॉट ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा ये सब खत्म हो जाएगा ऊपर से, तो ये हमारा फाइनल आउटपुट क्या आएगा एसओपी हमारा कैलकुलेटर का। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं पीओएस निकाल कर एसओपी निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।